मैंने गुड वाइब्स का ग्रीन टी टोनर लिया और उसको अपने फेस पे अच्छे से स्प्रे कर लिया है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक लिप बाम लिया है और अपने लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है। फिर मैंने गुड वाइब्स का फेस सीरम लिया है और उस सीरम को अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैंने गार्नियर का मॉइस्चराइज़र लिया है और उसको अपने फेस पे अच्छे से मसाज कर लिया है ताकि जो मेरा स्किन है वो अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए। फिर मैंने फेसेस कैनेडा का प्राइमर लिया है और उसको अपने फेस पे अपने टीज़ोन एरिया पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर आईब्रोज़ करेंगे और आईब्रोज़ को फिल करने के लिए मैंने शुगर कॉस्मेटिक का आईब्रो डिफाइनर लिया है इन द शेड 01 जेरी ब्राउन और उससे अच्छे से अपने आईब्रोज़ को हम फिल कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर ले रही हूँ, उसको एज आई शेडो बेस अपने आईलिड एरिया पे अप्लाई करूँगी और एक ब्रश की हेल्प से उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। फिर फेसेस कैनेडा के कॉम्पैक्ट पाउडर से मैं उसको अच्छे से सेट कर लूँगी ताकि जो मेरा कंसीलर है वो क्रीज ना हो। फिर ब्यूटी ब्लेंडर से सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे प्रोफ्यूज़न का आई शेडो पैलेट ले रही हूँ इन द शेड एम्बर आइज़ और इसे थोड़ा सा लाइट पिंक लेके अपने आईलिड एरिया पे एज ए ट्रांजिशन शेड अप्लाई कर रही हूँ और उसको अच्छे से अपने दोनों आइज़ पे मैं ब्लेंड करूँगी। उसके बाद सेम पैलेट से मैंने जो पहले एज ए ट्रांजिशन शेड अप्लाई किया था उससे थोड़ा सा डार्क लेके कलर मैं उसको एज अ क्रीज एरिया पे मतलब जो है क्रीज लाइन को अपने अच्छे से डिफाइन करूँगी और उसको अपने लोअर लैशेस पे भी अप्लाई करूँगी और दोनों आइज पे ऐसे आउटर कॉर्नर पे मतलब जहाँ हमारा आउटर भी होता है वहाँ पे उसको हम डिपॉजिट करेंगे। फिर क्रीज लाइन पे लाते हुए उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। फिर मैंने सेम पैलेट से थोड़ा सा डार्क शेड लिया है और उसको एक पॉइंट ब्रश की हेल्प से पहले डिपॉजिट किया है अपने आउटर वी पे, फिर उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और सेम कलर को मैंने अपने लोअर लैशेस पे भी अप्लाई किया है। और देखिए मैं क्लीन ब्रश की हेल्प से सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कोई भी शार्प एजेस ना हो। और सेम मैं ऐसे अपनी दूसरी आईज पे भी करूँगी, पहले कलर डिपॉजिट करूँगी फिर उसके बाद उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर मेकअप रिवोल्यूशन का आई पैलेट ले रही हूँ और उससे एक ग्लिटर शेड लेके मैं उसको अपनी आईज़ पे, देखिए यहाँ पे ग्लिटर शेड मैंने लिया है और उसको अपनी फिंगर की हेल्प से उसको अपनी आईज़ मतलब जो है आईलिड एरिया होता है जहाँ पे वहाँ पर उसको हम फिंगर की हेल्प से डिपॉजिट करेंगे और ऐसा मैं अपनी दोनों आईज़ पे करूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे NYB का ब्लू लाइनर लिया है और उससे मैं अपने आईज़ पे अच्छे से लाइनर ड्रॉ करूँगी। आप चाहें तो विंग लाइनर भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर सिंपल लाइनर भी। तो मैंने यहाँ पर दोनों आईज पे अच्छे से लाइनर को ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर फेसेस कैनेडा का मैग्नेट आईज मस्कारा लिया है और अपनी अपर लैशेस पे अच्छे से उसको अप्लाई कर लिया है और उसके बाद फिर हम यहाँ पर फॉल्सीज भी अप्लाई करेंगे। ये देखिए मैंने फॉल्सीज अप्लाई कर ली। उसके बाद जो फॉल्सीज का बैंड होता है उसको हाइड करने के लिए हम दोबारा से थोड़ा सा लाइनर यूज़ करेंगे ताकि जो हमारा फॉल्सीज का बैंड है वो हाइड हो जाए, क्योंकि आईलाइनर अप्लाई करने के बाद हम फॉल्सीज लगाते हैं तो लाइनर हमारा शो नहीं होता। उसके बाद मैंने यहाँ पे फेसेस कैनेडा का ही काजल लिया है और उसको अपने अपर और लोअर वाटर लाइन को अच्छे से टाइट लाइन कर लिया। फिर मैंने यहाँ पर पैक कॉस्मेटिक का फाउंडेशन लिया इन द शेड 3.0 और अच्छे से मैंने उसको अपने फेस पे एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से बहुत अच्छे से ब्लेंड किया है। गाइस फाउंडेशन को ब्लेंड करने में थोड़ा टाइम लगता है पर आप थोड़ा सा उसको टाइम दे के अच्छे से ब्लेंड कीजिए तो फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा दिखता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस्ड कंसीलर लिया है इन द शेड मीडियम टॉनी और उसको अपने यूजुअल प्लेसेस जहाँ जहाँ मैं
हाइलाइटिंग करती हैं वहाँ वहाँ पर मैंने उसको अच्छे से डिपॉजिट किया है, फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और गाइस ब्लेंडिंग मस्ट है, तो आपको मैंने पहले भी बताया कि ब्लेंडिंग अच्छे से कीजिए। फिर उसके बाद मैंने कॉन्ट्रोल करने के लिए मैंने शुगर कॉस्मेटिक का कॉन्ट्रोल स्टिक लिया है, और जहाँ जहाँ मैं कॉन्ट्रोल करती हूँ वहाँ वहाँ पर मैंने उसको अच्छे से अप्लाई किया है। फिर एक ब्रश की हेल्प से पहले मैं उसको ब्लेंड करूँगी, तो ब्रश की हेल्प से ब्लेंड तो हो जाता है बट नेचुरल फिनिशिंग नहीं आती है, तो हमें पहले ब्रश से ब्लेंड करना चाहिए, फिर उसके बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से सब कुछ अच्छे से और अच्छे से ब्लेंड कर लेना चाहिए, ताकि जो भी एक्सेस वगैरह हो वो सब हट जाए वो, और हमारा जो फेस है बिल्कुल ही नेचुरल फिनिश में आ जाए। अब देखिए यहाँ पर मैंने सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से दोबारा से सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, ताकि जो भी एक्सेस रहा हो, जो भी मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया उसका जो भी एक्सेस हो वो सब कुछ बाहर आ जाए। उसके बाद मैंने फेसेस कैनेडा का कॉम्पैक्ट लिया है, और एक पाउडर ब्रश की हेल्प से मैं अच्छे से अपने फेस को अच्छे से सेट कर लूँगी, जहाँ मैंने कंसीलर लगाया है, जहाँ मैंने कॉन्ट्रोलिंग शेड अप्लाई किया है, वो सब कुछ जितना भी क्रीम प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया उसको अच्छे से मैं सेट कर लूँगी। और उसके बाद फिर मैं ब्यूटी ब्लेंडर से सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ताकि फेस हमारा बिल्कुल नेचुरल फिनिश में दिखे। उसके बाद मैंने यहाँ पर सिवाना का पैलेट लिया, और उससे कॉन्ट्रोलिंग शेड को लेके जहाँ पर मैंने मतलब क्रीम कॉन्ट्रोल अप्लाई किया था वहाँ पर मैं पाउडर कॉन्ट्रोल कर रही हूँ, ताकि जो भी मैंने अप्लाई किया वो सब कुछ अच्छे से फिक्स हो जाए। उसके बाद मैंने एक छोटा ब्रश लेके अपने नोज़ को भी थोड़ा सा कॉन्ट्रोल किया है, और ब्यूटी ब्लेंडर से सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर लिया। फिर मैंने सेम पैलेट से ही सिवाना के पैलेट से मैंने ब्लश का शेड लिया है, और उसको अपने अपल ऑफ द चीक्स पे अच्छे से अप्लाई किया है। उसके बाद हाइलाइटर के लिए मैंने बेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो हाइलाइटर लिया है, और उसको मैंने जहाँ पर हाइलाइट करती हूँ मैंने अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया, अपने चीक बोन्स पे, इनर कॉर्नर्स पे, ब्राउ बोन पे अच्छे से मैंने अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे शुगर कॉस्मेटिक का लिक्विड लिपस्टिक लिया इन द शेड मिमोशा, और उसको अच्छे से अपने लिप्स पे अप्लाई कर लिया है। फिर फेसेस कैनेडा का मेकअप स्प्रे लेके मैं अपने फेस को अच्छे से सेट कर। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ठीक है, फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। और गाइस प्लीज़, अगर आप वीडियो देखते हैं और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ, आपको हमारा वीडियो, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। तो आई विश आप हमें सब्सक्राइब करें, ताकि हम भी मतलब जो है आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आ सकें।